अहमदाबाद जाते हैं, अहमदाबाद में रहते हैं, और ये जो चीनी पोर्ट लगा है लाइट में, इसके कंपनी में काम बनता है, वहीं अपना करते रहते हैं। और अपने बांदा जिले में ना कोई बुंदेलखंड में ना कंपनी है, ऐसी कंपनी होती तो वहाँ हमें अहमदाबाद जाना ना पड़ेगा। हजारों आदमी जाता है यहाँ से, हमारे यहाँ केवल पाठा क्षेत्र जो है हजारों आदमी जाता है, पाठा क्षेत्र से जाता है, क्योंकि यहाँ मजदूरी है नहीं, ना कुछ काम है ना कोई धंधा है, इसलिए जो है यहाँ से मजबूरी समझ करके जाते हैं यहाँ से। मैं भी खड़ा हूँ चित्रकूट के मानिकपुर रेलवे जंक्शन पर। ये मानिकपुर रेलवे जंक्शन वही जंक्शन है जहाँ से हर रोज हजारों की तादाद में यहाँ का युवा वर्ग पलायन करता है। पलायन करने का एक कारण ये है कि उस युवाओं को यहाँ पर रोज़गार नहीं मिल रहा है। हम बात करेंगे कुछ ऐसे युवाओं से और जो बाहर जा रहे हैं, हम आसपास के गाँव में भी जाएंगे यहाँ पर पलायन की समस्या को समझने के लिए। इसलिए ले जाते हैं कि यहाँ पर मजदूरी है नहीं, और यहाँ कोई काम धंधा है नहीं, इसलिए आदमी जो है गरीब आदमी जो है परेशान है, दिन भर कमाते हैं लकड़ी काट काट करके जो है बेचते हैं यहाँ, तो यहाँ पूरा नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, तो बाहर जाते हैं, तो इसलिए जो है इनको हम ले जाते हैं बाहर। कहाँ कहाँ ले जाते हैं? अरे यहाँ से पूना है, दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ से जाते हैं लोग बाग। अब पूरे ये बुंदेलखंड से जो है हजारों आदमी जाता है यहाँ से, हमारे यहाँ केवल पाठा क्षेत्र जो है हजारों आदमी जाता है, पाठा क्षेत्र से जाता है। कितने बजे ट्रेन है आपकी? अब ट्रेन तो अभी बता रहे हैं कि 1-3 बजे के जो मिल जाएगी, नहीं नहीं वो मिलेगी तो फिर शाम के जाएंगे। कितने लोग आपके साथ हैं? 4 आदमी हैं। 4 आदमी कहाँ जा रहे हैं? 5। हाँ 5। क्यों जा रहे हैं बाहर? अरे अब साहब काम बहुत नहीं मिल रहा है तो फिर जा रहे हैं, काम बहुत नहीं है तो जा रहे हैं। काम नहीं है? हाँ। काम क्यों नहीं है यहाँ पे? अरे किसानी का काम था तो उसको कर लिया, फिर मतलब जाया जाए कहीं, काम बहुत दो पैसा लड़का बच्चों को कमा के लाया जाए। तो कितने सालों से बाहर जा जा के काम करते हैं? अरे 2-4 साल हो गया। हाँ सर ऐसे ही चलता रहता है, जैसे वहाँ से बाहर से कमाएंगे नहीं कुछ पैसे तो घर पे दिए तो चलता रहता है ऐसे ही। मतलब आप 7-8 लोग हैं घर में? हाँ, सभी हाँ, बाहर जाके कमाते नहीं हैं। हम सभी बाहर जाते हैं। कितना कमा लेते हैं एक दिन की मजदूरी में सर? यहाँ जैसे अब वहाँ बता रहे हैं कि तुम्हारा खाना पीना पर तुम्हारा 10,000 रुपये बचेगा महीना में। कभी कोशिश की आपने यहाँ ढूंढने की काम? सर यहाँ काम तो ढूंढते हैं लेकिन वो अमीर का काम ही नहीं मिलता है। 2-4 साल मतलब 10 साल मतलब 2 महीने 3 महीने 15 दिन ऐसा ही काम मिला बस, इसके बाद फिर घर पे आ गए। सर खेती कर, खेती यहाँ क्यों आना हुआ स्टेशन पे अभी? क्या करें मजबूरी है, बाहर जा रहे हैं काम करें? जी और क्या करें, कहाँ जा रहे हैं? अब जाएंगे जहाँ मिल जाएगा रोजी रोटी, जहाँ रोजी रोटी मिल जाएगी जी। तो यहाँ से बाहर क्यों जाना पड़ता है आपको? इसलिए जाना पड़ता है, अन्ना पे था कैसी सूखा, कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही। प्रभाकर जी क्या करते हैं आप? हम तो बेरोजगार हैं। बेरोजगार है प्रभाकर जी, इस पाठा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है, यहाँ से लोग पलायन क्यों करते हैं इतना? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर बेरोजगारी है, शिक्षा का अभाव है, और जो कृषि कार्य है यहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। बुंदेलखंड में पानी पीने के लिए नहीं है, खेत की सिंचाई की बात छोड़िए, जब पीने के लिए पानी नहीं है तो सिंचाई हो ही नहीं सकती है। तो जो कृषि है वो सब भगवान पे डिपेंड है, यदि ईश्वर बरसा तो ठीक है, नहीं बरसा तो चौपट हो गए सब। तो यहाँ का जो भी युवा है वो सब बाहर प्लान करता है और बाहर से कमा के दिल्ली बम्बई गुजरात चेन्नई अपना गुजारा कर रहा है। क्या आप भी कभी बाहर गए? जी। कहाँ गए? मैं सूरत गया हूँ। सूरत क्या करते थे वहाँ पे? वहाँ पे करता एम्ब्रॉयडरी में काम। अच्छा। जो कढ़ाई का काम होता है एम्ब्रॉयडरी खत्म काम करता था। दमन भी गया हूँ मैं। दमन भी गए जी। तो क्यों चले आए वापस? आना जाना बना रहता सर। हम सर बाहर जाते हैं इस समय तमिलनाडु जाते हैं। क्या कर रहे हैं तमिलनाडु? वहाँ से अस्ट्रल पाइप की फैक्ट्री है। हाँ। वहीं नौकरी करते हैं। वहाँ क्यों करते हैं? ये बांदा से इतना दूर साउथ में यहाँ सर कहाँ है, उतना रेड भी तो यहाँ नहीं है। क्या क्या नहीं है यहाँ? वैसे फैक्ट्री हम नहीं देखा, इलाहाबाद में सुना है, अपने बांदा में क्या है?
कानपुर में छोटी मोटी है मिले उले जैसे, तो वो रेट भी नहीं देते, 12 घंटा का बहुत देंगे 12,000 देंगे, और वहाँ इस समय दे रहे हैं 17,400 12 घंटे का, एक टाइम खाना, 3 टाइम चाय, बिस्किट भी एक दे रहे हैं। कितने साल से आप तमिलनाडु में हैं? मैं 6-7 साल हो गए। 6-7 साल से हैं। कितना पैसा कमाते हैं और कितना घर भेज देते हैं? 7-8 हज़ार बचत होती है। हाँ, 14-15 हज़ार 18 हज़ार अभी हुआ है, लेकिन पहले तो हम 9 हज़ार था, तब तो 6-7 हज़ार ऐसा भेजते, अभी इस समय 10 हज़ार भी बच जाता है, 9 हज़ार भी बचता है ऐसा। अच्छा, कितने सालों से बाहर हैं? हम तो सर गुजरात में भी थे, अभी माने अभी तो तमिलनाडु में। कभी कोशिश की आपने यहाँ आसपास काम ढूंढ लिया जाए अगल बगल के जिलों में? किया है सर, झांसी में भी किया था कोशिश, तो वहाँ भी 9,000 देते थे 12 घंटे का, काम भी भारी था। कानपुर में भी हम ईटागार भी किया है, इंडस्ट्रेरिया ऐसा हम देखा नहीं था कुछ। आप अहमदाबाद जाते हैं, अहमदाबाद में रहते हैं, और ये जो चीनी पोर लगा है लाइट में, इसके कंपनी में काम बनता है, वही अपना करते रहते हैं। अपने बांदा जिले में ना कोई बुंदेलखंड में ना कंपनी है, ऐसी कंपनी वंपनी होती तो हमें अहमदाबाद जाना ना पड़ेगा, और हमारे यहाँ कुछ है नहीं उस तरह का, इसकी वजह से मजबूरी की बाल बच्चेदार रहना है, खाना पीना बनाना है, पैसा है नहीं तो जाना पड़ता है, और अपने यहाँ हो एरिया में तो बाहर हमें नहीं जाना पड़ेगा। कितने साल से बाहर है? 2004 से। 2004 से। घर में कौन कौन है आपके? मातारी है, बाप है, भाई तो भाई नहीं है, भौजाई हैं, 2 लड़का बिटिया हैं, और 2 बच्चे मेरे। तो घर इतने दूर आप रहते हैं, और घर में यहाँ चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं आप इतनी दूरी से? जैसे जब जाते हैं तो 2-4 महीने के लिए खाना पीना राशन धर के जाते हैं, जब अब अगर दिक्कत होती है तो मोबाइल द्वारा में फ़ोन हो जाता है, तो कहो के अकाउंट में 500 रुपया मांगे के पड़ते तो अकाउंट में दे दिन, और वहीं फिर निकाल के दे थी घर वाले इनका। ये बताइए, इतना दूर आप रहते हैं, घर में यहाँ कभी ज़रूरत पड़ती होगी तो कैसे सब चीज़ें आप मैनेज करते हैं? पैसे भेज सकते हैं और आ भी नहीं सकते, कुछ बात पड़ जाएगा, 30-40 घंटा 45 घंटे का रास्ता है जी ट्रेन की। कभी ऐसे हुआ कि इमरजेंसी पड़ी है, आपको घर आना पड़ा है, घर में कुछ ज़रूरत पड़ी और आप ना आ पाए हो? नहीं आ पाए, हमारे पिताजी ऑफ हुए तब भी नहीं आ पाए। अच्छा, बाद में आए हैं जी। कितना पीड़ादायक है ये बाहर रहना? क्या कहें, योगी जी तो बोल रहे थे कोरोना के टाइम, वहाँ नेट में हम देखते थे का जो बाहर वाले हैं यहाँ कंपनी इंडस्ट्रेरिया खोलाएंगे उनको वही रेट का यही पैसा मिलेगा। अभी वही अभी आए हैं, 2-3 महीना काम किया घर का खेत का, अब बोवाई सब हो गया, अभी फिर से तैयारी कर रहे हैं वहीं जाने की, फिर से तैयारी। बाहर रहना है तो मजबूरी है, वहाँ रहना है ना तो वहाँ तो सबकी गालियाँ भी सुनना पड़ता है, उठपटांग की बातें भी सुनना पड़ता है, और जैसे कह दें झाड़ू मारो तो झाड़ू भी मारना है, बोले कहें टट्टी साफ करो तो टट्टी भी साफ करना है पैसे के लिए। बाय करो पापा, बाय करो पापा, उधर बाय करो, वो जा रहे पापा, अच्छा उनको बाय कर दो।